मैं अनुपमा झा और आप देख रहे हैं A1 न्यूज। इस साल हमारे देश का 70वां स्वतंत्रता दिवस कुछ ज्यादा ही खास है। जी हाँ, एक तरफ रियो में हमारे देश के खिलाड़ी देश की शान के लिए खून पसीना एक कर रहे हैं और दूसरी तरफ जगह जगह स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। इसी कारण आजादी के इस जश्न का मजा दोगुना हो गया है। तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस की ये तैयारियाँ। चक दे इंडिया, देश के साथ अब रियो में भी ये गाना गूंजेगा। भारत में इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां एक सप्ताह पहले से शुरू हो गई है। दिल्ली के सीआर पार्क में लीर इरम स्कूल के द्वारा इसकी तैयारियां जोरों पर है। देश की आजादी का मजा क्या होता है, ये मासूम चेहरे भी इसे अच्छी तरह जानते हैं। तभी तो हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम के गाने पर ये मासूम चेहरे भी खुश हैं। लीर इरम में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरे एक हफ्ते से चल रही हैं। पेश है इनकी तैयारियों की कुछ झलकियां। तो देखा आपने इन बच्चों की मासूम आवाज में देशभक्ति संगीत और इन नन्हे बच्चों के थिरकते कदम। इस तैयारी में बच्चों के साथ उनके गुरु और लीर इरम संस्था के लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। इस एक हफ्ते की तैयारी के बाद आने वाले 14 अगस्त को सत्य साई ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर लीर इरम के संस्थापक और डांस गुरु काफी उत्साहित है। हम लोग तो इस बार प्री इंडिपेंडेंस वीक, प्री इंडिपेंडेंस फोर्टनाइट से शुरू किए हैं। हमारे बच्चे जो स्कूल का बच्चे है, रिदिम का जो स्कूल का बच्चे है, सारे बच्चे तो वैसे 14 अगस्त को परफॉर्म करने जा रहे हैं सत्यशाही ऑडिटोरियम में। इन बच्चों के साथ साथ पूरा देश भी आने वाले स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि देश में इस तैयारी का असर रियो ओलंपिक में भी देखने को मिले और हमारा देश ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़।